Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. In today's class, we'll see A to Z information about TELC B1 examination. Many of you are aware about Goethe certificate B1s, B1 level. You are aware about the exam pattern, you know the exam centers, how to apply for exam and everything. And today we'll see all these things about TELC examination, TELC B1 examination. Alright, so watch this video till the end and you will get lot of information. Still any doubt, you can write in the comment or DM us on Instagram. This is the TELC B1 Schule. Just type here. And this is TELC Deutsch B1 Schule. TELC B1 exam. ठीक है, ये website है. Google पे search करना है आपको TELC B1. उसके बाद आपका ये page open होगा और यहाँ पे हम देख रहे हैं. ठीक है, German TELC. क्योंकि TELC जो कि अलग अलग language के exam लेता है, German के अलावा और भी languages के, तो हम TELC German search करेंगे. और यहाँ पे हमारे exam pattern है, देख रहे हो आप. राइटिंग और ओरल एग्जामिनेशन दो पार्ट्स होते हैं. राइटिंग एग्जाम में रीडिंग नंबर ऑफ पार्ट्स 3 पार्ट्स. ठीक है, लैंग्वेज एलिमेंट्स 2, लिसनिंग 3, राइटिंग स्किल्स 1 पार्ट. ठीक है, यू कैन सी ए टोटल ड्यूरेशन. रीडिंग 3+2. राइटिंग एग्जामिनेशन अगर बात करें राइटिंग की, तो 90+30 120 मिनट्स, मीन्स 2 आवर्स का आपका ये पूरा राइटिंग एग्जाम होगा, जिसमें आपका रीडिंग होगा, ठीक है, लिसनिंग होगा और राइटिंग. रीडिंग लिसनिंग राइटिंग तीनों 120, देख रहा 120, यहाँ पे 120 मिनट्स. तो 2 आवर का टाइम काफ़ी होता है अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो. उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे स्पीकिंग का ओरल एग्ज़ाम. 3 पार्ट्स होंगे इसके आपके. कौन कौन से 3 पार्ट्स होंगे वो भी हम देखेंगे डिटेल में. और फिर टोटल टाइम आपको 15 मिनट्स मिलेगा यहाँ पे, सिर्फ 15 मिनट. और टोटल यूजली 2 टेस्ट टेकर्स, मतलब 2 स्टूडेंट्स को एक साथ इन्वाइट किया जाएगा. और उसके बाद 20 मिनट्स प्रिपरेशन टाइम आपका, 20 मिनट का टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने का. उसके बाद 15 मिनट का आपका टोटल एग्ज़ाम होगा, मतलब एग्ज़ाम 15 मिनट का होगा स्पीकिंग का, ओरल का. और आपको उसके लिए प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको स्पीकिंग का, उसमें आपको देखना है, पढ़ना है और अपने पॉइंट्स, मैंने बताया था पॉइंट्स लिखना है आपको पॉइंटर्स में. ठीक है, पॉइंटर्स में आपको अपने तैयार करने हैं, अपने जो भी वोकैब जो भी आप बोलोगे पूरा नहीं लिखना आपको, पॉइंट्स में लिखने होते हैं. और उसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने का. ठीक है, ये देख लिया हमने पैटर्न. अब हम धीरे धीरे देखते हैं आगे और क्या क्या बातें इन्फॉर्मेशन है इसमें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी, वो भी हम देखेंगे अभी. ठीक है, चलिए. दिस एग्जाम कैन बी टेकन इन कंप्यूटर और पेपर बेस्ड फॉर्मेट, मतलब कंप्यूटर पर भी दे सकते हो और पेपर बेस्ड दोनों फॉर्मेट अभी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी. पेपर बेस्ड एग्जाम होता है ऑफलाइन एग्जाम, और ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर बेस्ड. देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली, ये वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन है, मैं वेबसाइट से ही आपको पढ़ के बता रहा हूँ. कंप्यूटर बेस्ड और ऑनलाइन, तो दोनों आप दे सकते हो, कंप्यूटर भी और पेपर बेस्ड, तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी हुई है. इट कैन नॉट बी टेकन एज ए पार्शियल एग्जामिनेशन, मतलब आधा आधा नहीं होगा. मतलब आपने सोचा कि आपने लेजन और शाइबन ऑनलाइन दे दिया, ठीक है, एक्सप्रेशन आप बोलते हो कि मैं ऑफलाइन दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. या तो आप पूरा ही ऑनलाइन दोगे चारों पार्ट, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग, या चारों पार्ट आप ऑफलाइन दोगे. पार्शली मतलब आधा आधा नहीं, कि आधा आप ऑनलाइन दे दोगे या आधा ऑफलाइन दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है. इन्होंने लिखा हुआ है कैन नॉट बी टेकन एज पार्शियल. इन द मॉक एग्जाम यू विल फाइंड मोर इंपॉर्टेंट डिटेल्स इंक्लूडिंग ए कंप्लीट सेट ऑफ टेस्ट विद सॉल्यूशन टू प्रिपेयर एट होम और इन क्लास. ठीक है, यू विल लर्न हाउ टू एग्जाम, हाउ द एग्जामिनेशन वर्क्स एंड हाउ द राइटिंग एंड ओरल परफॉर्मेंस आर असेस्ड. तो इसका पूरा यहाँ पे सैम्पल पेपर्स भी है, मॉडल टेस्ट पेपर भी वेबसाइट पे, आप जाके उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हो, सेल्फ प्रैक्टिस लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, प्रिपेयर एट होम और इन क्लास, अगर आप कहीं पढ़ते हो तो अपनी क्लास में भी कर सकते हो, और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो घर पे भी आप तैयारी कर सकते हो एट होम. तो सब चीज़ डिटेल अवेलेबल है, मॉडल टेस्ट पेपर्स भी अवेलेबल है, और आप चाहो तो सैम्पल पेपर मॉडल टेस्ट पेपर की बुक भी ले सकते हो, उस बुक से पढ़ के और भी अच्छे से तैयारी कर सकते हो. ये देख रहे हो आप A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये सारे एग्ज़ाम टेल्क के होते हैं. तो B1 लेवल के बाद आप ये सब चीज़ें, आप इतना एफिशिएंट हो जाओगे, आप कम्युनिकेट कर सकते हो अच्छे से. ठीक है, कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो आप, है ना, कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, फैमिली हॉबीज़ के बारे में बता सकते हो आप, राइट और स्पीक अच्छे से बोल भी सकते हो, लिख भी सकते हो सिंपल एंड कोहेरेंट वे इन डेली लाइफ में कम्युनिकेशन कर सकते हो. तो B1 लेवल टेल्क का देने के बाद आपको इतना सब आ जाएगा. ठीक है, अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस सिंपल कनेक्टेड टेक्स्ट, आप एक अच्छे से टेक्स्ट लिख सकते हो, समझ सकते हो. ठीक है, और ग्रामर और लैंग्वेज को करेक्टली यूज़ करना भी आपको आ जाएगा. अब इसके बाद देखते हैं इन्फॉर्मेशन, व्हाई चूज़ अ टेल्क लैंग्वेज,
टेल को आपको क्यों चूज़ करना है, क्यों आपको टेल का एग्ज़ाम ही चूज़ करना है। तो इसके लिए लिखा हुआ है कि वर्ल्ड वाइड, देख रहे आप, वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी, स्कूल, एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज एज ए वैलिड प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ये रिकॉग्नाइज्ड है, चाहे आपको कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है, चाहे आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, चाहे हाउस बिल्डिंग के लिए, कुछ भी, ये स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में, कहीं भी आपको दिखाना है, तो ये वैलिड प्रूफ है आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का एट ऑल सिक्स लेवल्स ऑफ द कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस। ठीक है, मतलब सारे लेवल्स होते हैं और सारे जो लेवल्स हैं वो सारे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सिटी में भी, कंपनीज में भी, जॉब के लिए। ठीक है, जर्मन फॉर मेडिसिन एंड नर्सिंग, तो बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो नर्सिंग में हाउस बिल्डिंग के लिए जर्मनी जाते हैं। गोए थे एग्ज़ाम पास करना डिफ़िकल्ट होता है, एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम आती है, नहीं हो पाता रजिस्ट्रेशन उनका एग्ज़ाम के लिए, उनकी डेडलाइन नज़दीक आती रहती है, तो टेल्क एग्ज़ाम भी आप दे सकते हो, टेल्क एग्ज़ाम के लिए भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वेबसाइट पे जाओगे, रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके लिए मैं सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करके लिखोगे कि हाँ आपको टेल्क रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है या टेल्क एग्ज़ाम के लिए कैसे रजिस्टर करना है, तो मुझे कमेंट करोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी उसके लिए बना लूँगा। ठीक है, देखो मेडिसिन और नर्सिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, मेडिसिन और नर्सिंग मतलब जो मेडिकल प्रोफेशन में, ठीक है, आगे जर्मनी में जाना चाहता है, वो नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं जर्मनी में, तो टेल्क एग्ज़ाम देके वो यहाँ पे आगे अपना सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। देखो जर्मन एज ए फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए भी यहाँ से आपको काफ़ी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टेल्क के एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम की पूरी डिटेल यहाँ पे अच्छे से दी हुई है, देखिए ध्यान से। लेज़र फेस्टिवल मतलब रीडिंग, ये रीडिंग का जो पेपर होगा उसके बारे में। अवगाहन ट्यूब, किस तरह के अवगाह होंगे, फाइव, देखो टाइल वन, टाइल टू, टाइल थ्री, तीन टाइल है यहाँ पे, 1, 2, 3। पहला ग्लोबल फेस्टियन, फिर डिटाली फेस्टियन, सेलेक्टिवस फेस्टियन, 5, 10, 10, 20, टोटल 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पे होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे आपके लेजन में 20 क्वेश्चन होंगे। स्प्राग बाउस्टाइन, ठीक है, यहाँ पे आपकी ग्रामर चेक होगी, इसके दो टाइल हैं, तो यहाँ पे टोटल आपके यहाँ पे भी 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस आपका होंगे, सुऑर्डिनेट्स आपका होंगे, तो ठीक है, ये आप ध्यान से देखते रहो। इसके लिए आपको टोटल मिलेगा टाइम 90 मिनट्स में आपको ये दोनों, ये पार्ट और ये पार्ट, स्प्राग बाउस्टाइन और लेज़र फेस्टाइन, दोनों आपको 90 मिनट्स में कंप्लीट करना है। फिर आपका लिसनिंग, इसके लिए आपके पास है 30 मिनट्स में आपके पास तीन टाइल है, लिसनिंग के लिए 30 मिनट्स मिलेंगे, ज़्यादा नहीं, 30 मिनट्स का होगा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 20 आपके क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट में 20 क्वेश्चन, और यहाँ पे आप देख रहे हो 90 मिनट्स हैं, 90 मिनट्स में आपके पास 40 क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट, शिफ्ट लिशर लेटर, आपको क्या आएगा लेटर लिखने के लिए, यहाँ पे देख रहे हो आइनन इनफॉर्मल ऑर्डर हाल्फ फॉर्मल ब्रीफ फियर लाइट पुंक्टन, चार आपको पॉइंट्स देंगे, उन पॉइंट्स की हेल्प से आपको एक लेटर लिखना होगा, इनफॉर्मल भी हो सकता है या फिर सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल भी होगा या फिर सेमी फॉर्मल आपको लेटर लिखना होगा। इसके लिए आपके पास टाइम है 30 मिनट्स, और यहाँ पे आपके ये 30 मिनट्स में आपका लिसनिंग है, ये हमने देख लिया था। उसके बाद फिर आपका म्यूनलिशर मतलब स्पीकिंग एग्ज़ाम, देखो 20 मिनट्स होगा टोटल, फॉर राइटिंग साइड 20 मिनट्स, मतलब प्रिपरेशन का टाइम आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद एग्ज़ाम जो होगा आपका 15 मिनट्स का होगा, 15 मिनट में आपको टोटल आपका ओरल का एग्ज़ाम पूरा हो जाएगा। इसमें तीन पार्ट्स है, 1, 2, 3, कॉन्टैक्ट ऑफ नाम है अभी हम देखेंगे, ठीक है, गेस्प्रेश यूब्राइन थेमा, एक टॉपिक के ऊपर आपको कॉन्वर्सेशन करनी होगी, ये ऑलमोस्ट ऐसी होता है जैसे गोएथे में होता है ना, गेमाइंजा मेटावर्स प्लानन, साथ में मिलके एक दूसरे स्टूडेंट्स के साथ आपको बातचीत करनी है, कॉन्वर्सेशन करनी है, तो तभी हम कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस भी करते हैं लाइव क्लास में, आपने देखा होगा, आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी नया लाइव क्लास होगा उसमें हम स्पीकिंग कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करते हैं ओरल एग्ज़ाम की। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और नहीं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलेगी जैसे मैं लाइव आऊँगा और हम कॉन्वर्सेशन करेंगे। तो वो हम करते हैं इसलिए ताकि आपका स्पीकिंग एग्ज़ाम की प्रैक्टिस हम कर सकें, साथ वन टू वन इंटरेक्शन होता है, आपने देखेंगे पुरानी वीडियोस जिसमें हम वन टू वन कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई भी उसमें कर सकता है पार्टिसिपेट। ठीक है, तो ये पार पेयर में भी हो सकती है और आइंसल इंडिविजुअल भी हो सकती है, दोनों इन्होंने लिख दिया क्लियर। यहाँ पे आ गया इन्फॉर्मेशन, बिवैटिंग्स क्राइटेरियन, ये अभी हम पढ़ेंगे बिवैटिंग्स क्राइटेरियन पेज 30 पे। तो यहाँ पे पुंक्ट देखो कितने मार्क्स का है गिविस्ट, ठीक है, वेटेज क्या है उनकी, पूरा यहाँ पे 32-34 पेज पे ये हम देखेंगे अभी। ठीक है,
पेज नंबर 30 पे। तो पेज नंबर 30 पे हमें पूरा मिलेगा कि कितने मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए, क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया क्या क्या है, वो पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी अभी यहाँ पे। तो पहले देख लेते हैं लेजन है, लेजर फेस्ट एंड टाई लाइन्स। लेजन रीडिंग का पेपर टाइल वन, ये रीडिंग का पेपर है। यूबर शिफ्टन आप बिस यॉट ओनली टेक्स्ट आइन बिस फिल्म, मतलब कि आपको 5 टेक्स्ट दिए होंगे अभी यहाँ पे, और उन टेक्स्ट को आपको यहाँ पे सुटेबल आपको यूबर शिफ्ट ये टाइटल आपको मैच कराने होंगे कि कौन से टेक्स्ट में कौन सा टाइटल मैच करेगा। देख रहे हो, दो कांस ये यूबर शिफ्ट नोअर आइनमाल बेनुटसन, और एक टाइटल को आप सिर्फ एक ही बार यूज़ कर पाओगे। जैसे टाइटल है ना, ये अलग अलग टाइटल है, देख रहे हो ये टाइटल्स हैं, और पीछे भी टेक्स्ट मिलेंगे तो आपको मैच करना है, सु ऑर्डनन है ना, सु ऑर्डनन। देन लूजिंग फील्ड आपका आइन विस फिल्म आंटवुड बोवन, एक सेपरेट आंसर शीट होती है, वो भी हम दिखाएंगे अभी लास्ट में, और उसमें आपको अपने आंसर मार्क करने 1-5। तो ये यूबर शिफ्टन बोलते हैं इसको, टाइटल्स हैं। जैसे यडन टाक डांस उन्टरिस्ट एवरीडे डांस क्लास, उन्टरिस्ट इज नोअर इन कुर्जन जोमर म्योगलिश, तो ये टाइटल्स है। नीचे टेक्स्ट होंगे, उन टेक्स्ट के साथ आपको मैच करनी है। ये देखो कितने सारे टाइटल्स हैं, टाइटल्स ज़्यादा हैं है ना, यूबर शिफ्टन ज़्यादा हैं, बट टेक्स्ट कितने, टेक्स्ट 5 है केवल, देखो 5 टेक्स्ट है। तो जैसे टेक्स्ट पढ़ के आपको, और फिर मैच करना है कि कौन से यूबर शिफ्ट किस वाले टेक्स्ट से मैच होंगी। तो कुछ यूबर शिफ्ट जो है, कुछ जो हेडिंग्स हैं वो एक्स्ट्रा हैं, टेक्स्ट कम है, हेडिंग्स ज़्यादा हैं, तो कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसे ही दिया होता है ना। तो आपको बहुत ध्यान से पहले इसमें क्या करना है, आपको इसमें पहले टेक्स्ट पढ़ना है, टेक्स्ट पढ़ने के बाद आपको फिर हेडिंग्स पढ़नी है और फिर मैच करनी है। ये हमारा टाइल्स वाय रीडिंग का पार्ट 2। यहाँ पे देखो आपके 6-10, 6-10, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है इसमें, और ये टेक्स्ट पढ़ना है आपको, ये जैसे टेक्स्ट है इतना बड़ा, टेक्स्ट को पढ़ना है। तो इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप देख रहे हो पैटर्न ऑलमोस्ट जैसा कि आपका गोएथे का B1 का वैसे ही है, ठीक है, लेकिन जो इसका जो कंटेंट, जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट थोड़ा सा इजी होगा। किसी और क्लास में प्रॉपर पूरा एक एक टाइल की हम प्रैक्टिस भी करेंगे, आज तो हम सिर्फ पेपर का पैटर्न देख रहे हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है, कितने टाइल होते हैं और हर एक टाइल में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टेक्स्ट इतना बड़ा, इसके बेसिस पे ये आपके क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे आपको ABC MCQ है, आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है, 3 ऑप्शन है, एक को टिक करना है, ऐसे यहाँ पे देख रहे हो सब में 3-3 ऑप्शन है, तो आपको एक करेक्ट आंसर टिक करना है। और यहाँ पे ये बात भी लिखी है कि इन सारे क्वेश्चन के आंसर निस्ट इमर इंडिया रायन फॉल्गे, जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर सीक्वेंस में मिलेंगे, इन्होंने पहले लिख दिया है। नॉर्मली हम गोएथे में देखते हैं कि जो रीडिंग का जो हम पेपर करते हैं क्वेश्चंस के आंसर, उसमें एक के बाद एक हमें आंसर मिलते चले जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसका आंसर हमें पहले मिल जाएगा, ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हमें बाद में मिलता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इन्होंने लिख दिया। हो सकता है यहाँ भी सीक्वेंस में, बट इन्होंने पहले अवेयर कर दिया कि जरूरी नहीं है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर लास्ट में हो सकता है वो बीच में मिल जाए या पहले टॉप पर मिल जाए वही, तो इसलिए इन्होंने पहले बता दिया निस्ट इंडिया ग्लाइशन रायन फॉल्गे विद इन्फॉर्मेशन इन टेक्स्ट, ठीक है। तो मारिया ग्लेटसर, इसके बारे में 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो जरूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में मिल जाए, और लास्ट में भी मिल सकता है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन हो गए। ये आपका टाइल 3 लेजर फेस्टियन रीडिंग का 3rd पार्ट, और यहाँ पे भी आप देख रहे हो 11-20, यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्या करना है आपको, आनसाइक, ये एडवर्टीजमेंट वाला टाइल हो गया आपका, एडवर्टीजमेंट जैसे हम B1 में पढ़ते हैं एडवर्टीजमेंट पढ़ के, और फिर यहाँ पे इनको आपको मैच करना है। और ये डे आइनसाइग नोअर आइनमाल, एक ही बार यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। और जब किसी ये सिचुएशन से अलग अलग है ना, 11-20 10 सिचुएशन से, अगर 10 क्वेश्चन से, और अगर आपको कोई पसंद है आंसाइग है, कोई सुटेबल एडवर्टीजमेंट इससे मैच नहीं होगा, तो वहाँ पे आपको ये क्रॉस लगाना है। तो ये भी ऑलमोस्ट मुझे तो सेम ही लग रहा है जैसा कि गोएथे में था, वैसा ही पैटर्न है इसका भी। ये देखो ये एडवर्टीजमेंट है, ये एडवर्टीजमेंट पढ़ के आपको फिर मैच करनी है। अब ये आ गया हमारा स्प्राग बाउस्टाइन टाई लाइन्स, ये स्प्राग बाउस्टाइन है, इसको बोलते हैं स्प्राग बाउस्टाइन, मतलब ये जो ब्लैंक्स देख रहे हो आप, इनको आपको कंप्लीट करना है। ये ईमेल की फॉर्मेट में एक हमें टेक्स्ट दिया हुआ है, और जिसमें कुछ ब्लैंक्स हैं, यहाँ पे इन ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। नीचे ऑप्शंस होंगी, तो कितने क्वेश्चन है, 21-30, मतलब 10 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, 10 क्वेश्चंस हैं। तो ये बहुत इजी होता है, आपको टेक्स्ट पढ़ना है और सिर्फ मैच करते हुए आगे चले जाना है, तो ये इजी होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है ये। देखो ये रहे ऑप्शंस, यहाँ भी 3-3 ऑप्शन है, तो आराम से आप कर दोगे।
कहीं पे पोजेसिव है, तो ये किस तरह का, देखो कहीं पे पोजेसिव पूछा हुआ है, ठीक है, कहीं पे परफेक्ट है, वर्ब है, वर्ब चेक हो रही है, यहाँ प्रेपोजिशन चेक हो रही है, ठीक है, यहाँ भी प्रेपोजिशन चेक हो रही है, ये एडजेक्टिव चेक हो रहे हैं आपके, हैं, यहाँ पे डब्लू फ्राग चेक हो रहे हैं, तो ये सब ग्रामर आपको आनी चाहिए। ये देखो यहाँ पे भी वर्ब कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे पोजेसिव है, पर्सनल प्रोनोमन है, प्रोनाउन है, तो ये सब ग्रामर आपको पढ़नी है, ये सब यहाँ पे चेक की जा रही है आपकी। तो इस तरह से आप तैयारी करोगे अपनी इसकी, श्प्राग बाउस्टाइन की। ये आपका श्प्राग बाउस्टाइन टाइल्स वाई, ठीक है, दो होते हैं श्प्राग बाउस्टाइन, इसमें भी आपको 31 to 40, मतलब यहाँ भी आपके 10 क्वेश्चन हैं, 10 ब्लैंक्स हैं, और नीचे यहाँ भी ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब इन वाली ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे सारे मिक्स हैं, कितने ऑप्शन हैं, 15, टोटल 15 है, तो कितनी टोटल 15 ऑप्शन हैं आपके पास, और ब्लैंक कितने हैं आपके पास, 10 ब्लैंक्स हैं और 15 आपके पास ऑप्शन हैं, तो एक्स्ट्रा 5 होगी, तो 5 आपके पास एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे मिक्स हैं सारी, दामिट, डेनन, देन, देसाल, डी, गांस, तो यहाँ भी क्या क्या आपके पूछा गया, देखो यहाँ पे कनेक्टर है, एक तो कनेक्टर्स, कनेक्टोरन है, दूसरा प्रेपोजिशंस भी है यहाँ पे, ठीक है, और एडजेक्टिव्स भी है यहाँ पे भी, एडजेक्टिव है, गेनेटिव प्रेपोजिशन भी है, ठीक है, और रिलेटिव भी है, रिलेटिव्स आर्ट्स, दामिट, प्रोनोमिनल एडवर्ब भी है, प्रोनोमिनल आर्टिकल भी है, सिंपल आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, मोडाइल वर्ब भी है, तो पूरी ग्रामर आपकी चेक हो रही है जो आपने A1 से B1 तक पढ़ी है, पूरी चेक हो रही है। तभी मैं बोलता हूँ A1, A2, B1 ये बेसिक लेवल होते हैं, बट इसमें बहुत अच्छे से टाइम देना है। A1, A2 में तो पूरी जान लगा देनी है आपको, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ो, शुरुआत करते हो आप लैंग्वेज सीखने की, हर चीज़ नहीं है, हर दो कदम पे आपको डाउट्स होते हैं, डिफ़िकल्टी होती है, तो जल्दबाजी में मत करना, तभी आप ये एग्ज़ाम अच्छे से पास कर पाओगे एक ही बारी में। आपको पता है इसकी फ़ीस भी बहुत होती है, एग्ज़ाम फ़ीस काफ़ी आपको पे करनी पड़ती है, गोयथे में भी आपको 10-12 हज़ार रुपये एग्ज़ाम फ़ीस पे करनी पड़ती है, टेल्क में भी आपको एग्ज़ाम फ़ीस पे करनी पड़ती है, तो पूरी तैयारी के साथ ही पेपर देना, जल्दबाजी में मत देना, तो पैसे ख़राब हो जाएंगे आपके, और फिर जो आप डीमोटिवेट होंगे वो अलग, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होगा। ये हमारा लिसनिंग आ गया, लिसनिंग का टाइल 1 है, तो यहाँ देखो यहाँ पे हम सुनेंगे और ऑडियो सुनेंगे, और यहाँ पे हमें अच्छा यहाँ पे क्या करना है, हमें लिसनिंग करनी है, और यहाँ पे हमें 41 से 45, यहाँ पे हमें 5 स्टेटमेंट्स है, हमें बताना है ट्रू या फॉल्स है, और हमें आंट वोट वोगन में क्या लिखना है, अगर रजिस्ट्रिश है, देखो यहाँ पे बहुत अच्छा, अगर करेक्ट आंसर तो हमें क्या लगाना है, प्लस, प्लस का साइन लगाना है, और अगर माइनस, प्लस, अगर फॉल्स है तो हमें यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है ना, कोई थे में तो हम क्रॉस लगाते हैं, यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर है तो हमें अपने आंसर शीट पे प्लस लिख रहे हैं, और अगर गलत आंसर फॉल्स है तो माइनस लिखना है, ये थोड़ा नया है यहाँ पे, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, तो आपको सुन के ही बताना है, ठीक है, कि ये जो स्टेटमेंट्स है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। ये टाइल 2 है लिसनिंग का, यहाँ पे आप एक कॉन्वर्सेशन सुनोगे, दो हियर्स्ट आइन गेस्प्रेश, और ये गेस्प्रेश आप स्वायमाल 2 टाइम्स हैं, 2 टाइम्स आप सुनोगे यहाँ पे ऑडियो ट्रैक, 2 टाइम्स तो आपके पास चांस है। यहाँ भी आपको ट्रू फॉल्स बताना है, वही रिस्टिश फॉल्स है, यहाँ भी रिस्टिश और फॉल्स आपको बताना है, लेकिन आप 2 बार सुनोगे ये ट्रैक, 2 बार सुनोगे यहाँ पे, येले वाले में देखते हैं कितनी बार था ट्रैक, 1 बार या 2 बार। आइनमाल, ये आपका आइनमाल है, टाइल 1 1 बार सुनोगे, और टाइल 2 यहाँ पे आप 2 बार सुनोगे, ठीक है, और फिर टाइल 3 ये भी आप 2 बार सुनोगे स्वायमाल, ये भी आप 2 टाइम्स हैं, यहाँ भी आप 2 टाइम्स सुनोगे ट्रैक, और यहाँ भी आप क्या बताना है, ट्रू फॉल्स, तो सब कुछ ट्रू फॉल्स ही है, यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स ही देना है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। अभी देखते हैं आगे, 3 टाइल है, तीनों में आपको ट्रू फॉल्स पूछा गया, तो सही है, ट्रू फॉल्स बताना आपको, ये 2-2 बार सुनाएंगे आपको ट्रैक, तो आराम से कर पाओगे, ट्रू फॉल्स ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती ना, प्रॉब्लम होती है जब आपको सेंटेंस पूरे फाइंड आउट करने होते हैं, सेंटेंस कंप्लीट, बस 3 ही टाइल है आपके लिसनिंग में, बहुत अच्छा है, तो मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी इजी टाइल है गोयथे के कंपैरिजन में, बहुत इजी है।
तो आप अच्छे से पास कर सकते हो इसको थोड़ी सी मेहनत करके। ये आपका शिफ्ट लिशर है, शिफ्ट लिशर राइटिंग राइटिंग एग्ज़ाम है, देख रहे हो राइटिंग एग्ज़ाम लेटर फॉर्म में है ना, लेटर फॉर्म में। तो क्या करना है, ये आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आपको ऑलरेडी एक ईमेल लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा, आई ने बेकांटे हाउस पुर्तगाल स्ट्राइप टीयर यूवर ईयर 11, किसी नॉन पर्सन ने पुर्तगाल से आपको अपनी लाइफ के बारे में बताया जो कि ऑस्ट्रिया में रहता है, यह उसने लिखा है। अब ये पढ़ोगे आप, उसके बाद पढ़ने के बाद आप यहाँ पे उसको आंसर करोगे। बहुत बढ़िया, ये तो ये पॉइंट्स हैं, इनके पॉइंट्स की हेल्प से, चार पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स की हेल्प से आपको आंसर देना है। बहुत बढ़िया, ये तो इसमें भी आपके फुल मार्क्स आएंगे, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। अब से हम टेल के एग्ज़ाम की भी तैयारी करेंगे, ठीक है। अगर आपको टेल के एग्ज़ाम देना है तो आप रजिस्टर कर देना, ठीक है, ईमेल कर देना, ये वीडियो देखते ईमेल कर देना। और जैसे हमारा ग्रुप बनता है 8 to 10 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, ग्रुप बना के स्टार्ट कर देंगे तैयारी, ठीक है। पेड क्लास होगी बट बहुत कम फीस होगी, तो टेल की भी अब तक तैयारी हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, तो पैटर्न बहुत अच्छा है इसका और बहुत इजी लग रहा है, करके देखेंगे, करने में भी इजी होगा, है ना। ये देखिए, ये आपका ओरल एग्ज़ाम आ गया, अब बस वो आपका ख़त्म हो गया उतने में। ये श्राइवन आपका ख़त्म, दो ही पार्ट है श्राइवन में, एक तो ये है शिफ्ट लिशर में, ये लिसनिंग है। बस शिफ्ट लिस्ट में आपको एक ईमेल ही लिखना है, बस एक ईमेल लिखना है आपको, ये आपका आ गया मिड लिशर, ये आपका ओरल एग्ज़ाम है। अब ओरल में देखो, टाई लाइन्स क्या है, कॉन्टैक्ट ऑफ नाम, कॉन्टैक्ट ऑफ नाम है इसको बोला गया, टाई लाइन्स को क्या होता है, तो आपको कॉन्वर्सेशन करनी है अपने बारे में एक दूसरे को, कैनन लेरन जिश कैनन लेरन, तो मतलब इंट्रोडक्शन देना है एक तरह से, अपने बारे में बताना है, ठीक है। और पार्टनर से भी पूछना है, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, स्टेलन फ्राग स्टेलन। और यहाँ पे आपको जो पेपर मिलेगा उसमें कुछ आप पॉइंट्स दिए होंगे, उन पॉइंट्स की हेल्प से आपको क्वेश्चन आंसर पूछने एक दूसरे से, ठीक है। ठीक है, तो अभी देखते कैसे होगा। और टाइल टू क्या है, यहाँ पे प्रॉपर आपको कॉन्वर्सेशन करनी है, एक टॉपिक दिया हुआ उसके ऊपर कॉन्वर्सेशन करनी है, अपने आइडियाज एक्सचेंज करने, ठीक है, रेडियो मेटर यूज़ करने, अपनी माइनिंग देनी है, ओपिनियन देना है। और टाइल थ्री में आपको गेमाइन एग्जाम, दोनों को मिलकर एक अवगाबों को सॉल्व करना है। चलिए अब देख लेते हैं किस तरह से होता है ये ओरल का एग्ज़ाम। ये आपका टाई लाइन्स, इसको बोला गया इन्होंने कॉन्टैक्ट ऑफ नाम है बोलते हैं इसको, मतलब कि एक दूसरे को जानना, कैनन लेरनन जिश कैनन लेरनन। तो यहाँ पे अपना नाम बताओगे आप, फिर कहाँ से आते हो वो हर कॉमन जी, ठीक है, वो वोनन जी फामिलिया, हाँ वोनन जी मिडियर फामिलिया और अलाइन, वो हापन जी डॉयश के लैंड, कहाँ पर जर्मन सीखी अपनी, ठीक है। और जो आपका सामने पार्टनर है, हाँ वाज मार्क्टर, क्या करता है वो, पढ़ता है या कहीं जॉब करता है, और कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हो आप। ये तो आपको इतना तो आपको बोलना ही है, इसके अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा भी बोल सकते हो, एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो अपने पार्टनर से, और वो भी आपसे पूछ सकता है। तो केवल यही नहीं होगा, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं आपस में, तो बी रेडी फॉर दैट। कॉन्वर्सेशन हो रही है तो अच्छे से होगी, तो बिल्कुल रेडी रहना। यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट ऑफ नाम है, मतलब टू नो ईच अदर, आपको किसी को अगर जानना है तो इसके अलावा कुछ और भी आप पूछ सकते हो, है ना, कि आप कब से रह रहे हो, कितने सालों से आप इस सिटी में रह रहे हो, आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी, किस सब्जेक्ट की आपने पढ़ाई करी, ठीक है, कौन से साल में आपने पढ़ाई फिनिश करी आपने, तो ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। बट ठीक है, आंसर कर सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जो सामने स्टूडेंट होगा वो भी तो B1 लेवल ही पढ़ के आया है, ऐसा तो नहीं कि उनने B2 का रखा है और वो B1 का एग्ज़ाम दे रहा है, होता है ऐसा, बहुत कम होता है ऐसा ना। अब जिसने B2 तक पढ़ा वो B2 का एग्ज़ाम देगा, B1 नहीं देगा, है ना। चलो अब ये है टाइल टू, गेस्प्रेश यूबराइन थेमा, एक टॉपिक के ऊपर कॉन्वर्सेशन करनी है गेस्प्रेश। तो टॉपिक क्या, इस तरह से टॉपिक होता है, देखो पिक्चर भी आपको दिखाई जाएगी, सुकुम्स प्लेनर, तो मतलब ये जैसे एक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे बच्ची की, याना नाम है इसका, तो आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे, फिर अपने पार्टनर को बताओगे इसके बारे में कि आपने क्या पढ़ा, ठीक है। और फिर ऐसी जो आपका जो पार्टनर उसके पास भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी, वो पढ़ के आपको बताएगा कि उसने क्या पढ़ा,
ठीक है, यहाँ पे इस बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन है लिखा है ना, दाइन पार्टनर हार्ट सोम ग्लाइशन थेमा, सेम टॉपिक के ऊपर, ठीक है, इन्फॉर्मेशन उन बेरिस्टेड अवतारी ऊपर, और फिर आप दोनों मिलकर इस टॉपिक के ऊपर बात करोगे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, क्वेश्चंस पूछोगे, ठीक है। बहुत अच्छा है, तो पैटर्न बहुत अच्छा है इस एग्जाम का ना। देखो पिक्चर देख रहे हो आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इस बच्ची के बारे में लिखा है याना 16 ईयर्स की है, शूलर इन है ये। तो यहाँ पे टॉपिक क्या, पहले हम टॉपिक इसको पता लगाना है आपको, जब हम तैयारी करेंगे तब आपको एक्सप्लेन करूँगा दोबारा से, अभी तो सिर्फ मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ। एग्जाम इस पेपर को हम सॉल्व भी करेंगे किसी और वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो ना। तो ये देख, ठीक है, ऐसी जो दूसरा पार्टनर होगा उसको ये मिलेगा टॉपिक, है ना, लिखा ना टाइल नेमर और टेबल बी, उसको ये टॉपिक मिला है। तो मैक्स है, मैक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है, वो ये वाली इन्फॉर्मेशन पड़ेगा। फिर आप दोनों आपस में बात करोगे कि आपने क्या पढ़ा और उसने क्या पढ़ा, अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करोगे। ये हमारा है टाइल थ्री, गेमा एग्ज़ाम, जैसे कि बी1 गोएथे में होता है गेमा एग्ज़ाम एट वॉस प्लान, तो यहाँ पे भी गेमा एग्ज़ाम आपका पे ल्यूजन, आपको सॉल्व करना है कुछ। ये देख लो अपने स्कूल क्लास के साथ और अपने टीचर के साथ तुम एक क्लास ट्रिप पे जाना चाहते हो, बट आपको कुछ क्वेश्चन है कि कहाँ पे जा रहे हो आप, है ना, क्लास टूर कहाँ पे जा रहा है, तो इसके रिगार्डिंग आप कॉन्वर्सेशन करोगे। देखो ये क्लासन फाट वो हिंद, कहाँ जा रहे हैं हम, है ना, कब जा रहे हैं, कुछ डाउट्स हैं, कब जा रहे हैं, यूबर नाकटन कहाँ पे स्टे करोगे, क्या कॉस्ट होगी, कितना पे करना पड़ेगा आपको पैसे, और आप एंड में इवनिंग में क्या क्या प्रोग्राम है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी हो सकते हैं क्लास टूर से रिलेटेड, वो भी आप आपस में बात करोगे, तो ये आपका यहाँ पे पूरा हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें। ये आपका देख रहे हो, ये आपका फॉर्म होता है, इस तरह से आप इन्फॉर्मेशन दोगे यहाँ पे, अपना पहले फैमिली नेम, ठीक है, फिर अपना सर नेम, यहाँ फोर नाम, ठीक है, यहाँ फर्स्ट नेम, पहले फैमिली नेम फिर फर्स्ट नेम, यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ डालोगे आप, ठीक है, यहाँ अपना बर्थ प्लेस, फिर यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल ये सब लिखोगे, प्रूफ ऑफ एग्ज़ाम सेंटर लिखोगे, और ये डेट लिखोगे, इस तरह से आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। अब ये आपका आंटवोट भवन आंसर शीट ऐसी होती है, इस आंसर शीट में आप देख रहे हो, तो जैसे था वहाँ पे प्लस और माइनस था ना, ट्रू आंसर पे प्लस और रॉन्ग आंसर पे माइनस लिखना था, तो इस तरह से आप करोगे यहाँ पे, जैसे रीडिंग का है ये, तो आपको ध्यान रखना कि रीडिंग का है, पे रीडिंग के आंसर ही आप फिल करोगे, ठीक है, ये यहाँ पे ये देखो ये रीडिंग, फिर स्प्राग बाउस्टाइन, जो हमने स्प्राग बाउस्टाइन किया था उसके आंसर यहाँ पे सॉल्व करोगे आप, तो जहाँ पे जो है उसी के आंसर वहीं पे देने, मिक्स नहीं करना आपस में, नहीं तो पेपर कैंसिल हो जाएगा और आप फेल भी हो जाओगे। कई बार क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट जल्दबाजी में, देखते नहीं कि स्प्राग बाउस्टाइन है, यहाँ पे लेजन के आंसर दे दिए, तो गलत मत करना, देख के ही आंसर देना। और यहाँ पे लिसनिंग है और फेस्टिन के आंसर यहाँ पे लिखोगे आप, तो ये देख के आपको भरना है, ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ी बड़ी वीडियो बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, पूरा हमने टेलक एग्जाम A to Z देखा है जैसे कि हमने बात की थी, और अब एग्ज़ाम की तैयारी भी करेंगे। ईमेल कर देना अगर आपको एग्ज़ाम तैयारी करनी है टेलक P1 की, और वीडियो देखते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आउ विटर सेन बिस्पाल्ट।